नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो के वी सेंटर में काफ़ी हेल्प करेगी उन बच्चों की जो आईसीटी या इस तरह की चीज़ें बताना चाहते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर। देखिए, मेरे पास बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी, सर आईसीटी के ऊपर वीडियो बना दीजिए, क्योंकि ये वैसे मेरा पसंदीदा टॉपिक रहता है। मैं खुद इससे बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता था इस पर वीडियो बनाऊँ, तो आज मैंने वीडियो बनाई है। आप देख सकते हैं, आज आपको पता चलेगा कि केवीएस में आईसीटी की क्या इम्पोर्टेंस है या किस तरह से, तो ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, तो इससे पहले मैं शाला दर्पण के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, डबल ए आता है शाला डी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें प्रॉपर आईसीटी का जो यूटिलाइजेशन है, कैसे यूज़ होता है आईसीटी, वो सारा बताया गया है एक तरह से। मतलब वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है शाला दर्पण आईसीटी का, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो उसके आप इसके बाद में देख लीजिएगा जो मेरे वीडियो है। अब पहले बात करते हैं आईसीटी आखिर होता क्या है। देखिए, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से देना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। उसके अंदर हमारा विजुअल भी हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर आईसीटी की हिस्ट्री इंडिया में क्या रही है, कैसे रहा है। तो देखिए, आईसीटी वैसे न्यू कंसेप्ट कह सकते हैं हम इंडिया के अंदर, और जब मेजर स्केल पे इसकी बात की गई थी तो वो 5 ईयर 11th 5 ईयर प्लान था हमारा, उसके अंदर बात की गई थी, जिसके अंदर हमने एक स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम ही कह सकते हैं इस तरह से आप, एनईएमई आईसीटी। ठीक है, NMEICT, NMEICT की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स देखनी है तो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी इसकी दो आपका जो मेन थे, इसके कंपोनेंट थे, वो तो थी, एक तो कनेक्टिविटी था और एक कंटेंट जनरेशन था। कंटेंट जनरेशन हमें कंटेंट बनाना था बच्चों के लिए, तो उसके अंदर ये चीज़ें था। इसी के वजह से फिर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आईसीटी ने आगे मुकाम हासिल किया है। एग्जांपल देख सकते हैं आप, ज्ञानवाणी जो एफएम रेडियो वगैरह पे चलता है आपका, ज्ञान दर्शन, फिर एक साक्षात पोर्टल था। ठीक है, साक्षात पोर्टल है, इसके अंदर हमारे जो केवी के टीचर्स भी थे, एनवीएस के टीचर भी थे, इन्होंने ही मिलके इसका जो कंटेंट था वो बनाया था। डीयू वगैरह के भी थे, मतलब हर जगह से आपको ब्रिलियंट जो टीचर्स थे उन्होंने मिलके काम कराया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था एक तरह से, आप कह सकते हैं साक्षात पोर्टल को। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है आईसीटी की। देखिए, आपने एडगर डेल कोन पढ़ा होगा। ठीक है, एडगर टेल कोन, अगर आपने पैडागोजी पढ़ी है तो आपको पता होगा वो इस तरह का कुछ दिखता है। सबसे ऊपर वाला लेवल होता है, जब खाली हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसके बाद में देखते हैं सुनते हैं, इस तरह का चलता रहता है वो। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप देख सकते हैं, पहले सीटेट के लिए बनाई थी मैंने वो एक वीडियो, तो आप या फिर आप नेट से भी देख सकते हैं, ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो उसके अंदर रोल आता है कहीं ना कहीं कि जो हम वीडियोस देखते हैं उससे हम बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, पढ़ने से, रीडिंग से ज़्यादा बच्चे सीखेंगे वीडियो वगैरह देखने से। मतलब जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, देखेंगे सुनेंगे, जितनी ज़्यादा हमारी सेंसेस यूज़ होती है ना, एडगल डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस होता है एक्चुअली। एक्सपीरियंस हम कैसे करते हैं, एक्सपीरियंस हम सेंसेस से करते हैं। जिस चीज़ के अंदर हमारे जितने ज़्यादा सेंसेस यूज़ होंगे उतना ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो खाली आपकी आइज़ एक तरह से देखे तो, और फिर आप जब एक सुन भी रहे हो तो आपके ईयर्स भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो आईसीटी की वजह से हमारे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हों। ठीक है दोस्तों, तो ये एडगर डेल ऑफ कोन की वजह से भी आईसीटी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि थोड़ा सा अगर आपको इम्पोर्टेंस और जाननी है, तो जो मैंने शाला दर्पण की वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने सारा बताया था कि इम्पोर्टेंस आईसीटी की क्या क्या है। मतलब शाला दर्पण की जो इम्पोर्टेंस है वहीं कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं आईसीटी की भी इम्पोर्टेंस उसी तरह से रहेंगी जितना काम उसने किया है। शाला दर्पण एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो केवीएस का, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिसने नहीं देखी वो वीडियो वो जरूर देखे, आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि कितना
किस तरह से हमारी चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताता हूँ। आईसीटी में मेनली जो काम रहता है वो होता है मल्टीमीडिया का, ठीक है। मल्टीमीडिया, अब मल्टीमीडिया के हमारे चार मेन एलिमेंट होते हैं, चार मेन एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है मेरा टेक्स्ट। देखो अगर मैं बोलता जाऊँ कुछ लिखूँ नहीं तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, कहीं ना कहीं टेक्स्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट या फिर मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा होता है हमारा साउंड, कि अगर मैं यहाँ लिखता रहूँ और बोलूँ ना, वॉइस ओवर ना दूँ, तो कहीं ना कहीं आपको फिर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ये चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए साउंड जरूर दी जाती है। या फिर आप पावर पॉइंट वगैरह बनाते हैं तो ट्रांजिशन के लिए एक चीज़ दूसरी आती है। जैसे ही एक मैं आपको पावर पॉइंट भी दिखाऊंगा जो मैंने बनाई है अभी, ये इसके बाद में। फिर एक होता है वीडियो, ठीक है। उसके बाद में एक वीडियो होता है कि आपका वीडियो भी मल्टीमीडिया का पार्ट है, कि आप वीडियो भी कर सकते हैं। और एक होता है आपका एनिमेशन। एनिमेशन भी इम्पोर्टेंट होते हैं। एनिमेशन से आपको अलग इफेक्ट पता चलते हैं, जो चीज़ आप बोर्ड वगैरह पे नहीं कर सकते वो आप एनिमेशन के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं। या थोड़ा सा वो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ आ जाती है, थोड़ा सा बच्चे उसको ज़्यादा सीखते हैं, खासकर प्राइमरी लेवल पे और 6 to 8 के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब आईसीटी की अगर मैं बात करता हूँ तो आईसीटी हमारी कहीं ना कहीं क्लासरूम टीचिंग में कहाँ है वो करता है। देखिए आईसीटी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बताया शाला दर्पण के अंदर, वो मैनेजमेंट में भी इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ों में इम्पोर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी और हमारा काम बचाता है और सारी चीज़ें करता है। लेकिन अब मैं बताता हूँ क्लासरूम में कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है। देखिए प्लानिंग फेज पे आपका इम्पोर्टेंट होगा आईसीटी कहीं ना कहीं। जब आप प्लान करेंगे तो आपके पास में बच्चों की जो हमारी पुरानी परफॉर्मेंस है वो है, वो सारी आपको एक बार में दिख जाएगी। वो क्योंकि अब हमारा जितना भी होते हैं रिपोर्ट कार्ड जनरेट होती है केवी के अंदर, वो भी कंप्यूटर से जनरेट होती हैं, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, इसके रिजल्ट एनालिसिस होता है वो भी कंप्यूटर में ही होता है सारी चीज़ें, तो सारे हमारे सॉफ्टवेयर हैं। तो उसके अंदर हमें बच्चों के मार्क्स डालने पड़ते हैं, फिर एक एनालिसिस होके खुद आ जाता है, तो ये सारा चीज़, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं हम, प्लानिंग बता दिया। फिर आप अगर इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे तो जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, हम किसी स्टोरी से दे या इस तरह से दे, तो अगर आप कोई वीडियो दिखा रहे हैं बच्चों को तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं, वो भी आप आईसीटी के थ्रू दिखाएं तो बेटर रहता है। फिर एक्सप्लेनेशन पार्ट में बात करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं किन्हीं चीज़ों को। अगर आपको एक्सप्लेन करना है कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आप अपने यहाँ से नहीं कर सकते, मान लो मेरा बच्चा तो बैठा है दिल्ली में और आपको कोई समुद्र की चीज़ें बतानी है, ठीक है, समुद्र में क्या होता है या क्या नहीं होता, तो उसको कन्याकुमारी लेके जाओ, पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है। लेकिन हर चीज़ के लिए आप उसको बाहर फील्ड ट्रिप पे लेके जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, बाहर वाले एक्सपीरियंस को एक कमरे के अंदर आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करते हैं, कि समुद्र की कोई वीडियो दिखा दी या इस तरह का चीज़ दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं बच्चे को डाइवर्सिफाई कल्चर और ग्लोबल हो, एक तरह से लोकल लोकल उसके पास जो रिसोर्सेज है वो ग्लोबल हो, ठीक है, कि बाहर वाली चीज़ों से का भी एक्सपीरियंस हो उसको। तो ये सारी चीज़ होती है। जो बच्चा नॉर्थ ईस्ट के अंदर है उसने कभी आपका मरुस्थल नहीं देखा, तो अब अगर आप उसको वीडियोस दिखाएंगे और वो चीज़ दिखाएंगे, हालांकि अब टीवी वगैरह हो चुका है, तो टीवी वगैरह एफएम वगैरह ये जितनी भी चीज़ें होती है, रेडियो वगैरह, ये भी एक तरह से मैंने बताया आईसीटी का पार्ट है कह सकते हैं हम। ज्ञानवाणी और जो ज्ञान दर्शन की बात करी थी, ये कहीं ना कहीं एफएम और इनसे जुड़े थे, तो ये भी इनका पार्ट है, ठीक है, विजुअल ऑडियो विजुअल। अब बात करते हैं हम, मैंने बता दिया कि एक्सप्लेनेशन में भी कर सकते हैं। फिर इवेल्युएशन की बात करते हैं। देखिए इवेल्युएशन के अंदर हमारे केवी के अंदर क्या होता है, कई हम क्विज़ वगैरह तैयार कर लेते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। जैसे भी चैप्टर ख़त्म हुआ क्विज़ वगैरह तैयार करेंगे, तो वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वरना एक क्विज़ भी दिखाता आपको, तो क्विज तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर एक छोटी सी बहुत छोटी सी पावर पॉइंट जरूर दिखाऊंगा आपको, कि जो मैंने एक मैथ्स का डेमो दिया था उसी के ऊपर है, अगर मैं पावर पॉइंट में उसको चेंज करूंगा तो किस तरह से वो चेंज हो सकता है, तो वो चीज़ भी दिखाऊंगा मैं आपको। पर क्विज वगैरह हम तैयार कर लेते हैं, तो वो भी होता है कि चार ऑप्शन होंगे एक बताएगा बच्चा, तो इस तरह की चीज़ें होती है। इसमें भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं, टीचर को एक बार मेहनत करनी है, फिर हर क्लास के लिए वही यूज़ होता रहता है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। फिर आते हैं रिवीजन के टाइम में, आईसीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है,
कि आपने कोई चीज़ करवा दी, उसको बाद में क्विक रिवीजन करते हैं या इस तरह का करते हैं, तो बच्चा उसमें आसानी से सीख सकता है, आप बच्चों पे ध्यान दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए अब एक बार स्टार्ट कर लेते हैं हम, जो मैं बता रहा था डेमो के ऊपर, जो मैंने अभी मैथ्स डेमो दिया था एलसीएम का, उसी के ऊपर कर देते हैं, जो मेरा क्लैपिंग वाला था। तो वो आखिर कैसे, देखिए जैसे मैंने बताया कि 3 वाला था, तो जैसे ये स्लाइड ही चल रही है एक तरह से, 3 3 वाली क्लैप करवाई थी, उसके बाद में अगर मैं बताऊंगा, देखिए देखिए सबसे पहले ये आएगा, मतलब वहाँ जब मैंने अलग अलग लिखा था तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा था, तो वो टाइम ख़त्म होगा वहाँ से अगर मैं पढ़ाता रहूँगा और मेरे हाथ में इस तरह का कोई रिमोट हो जिससे अपने आप ही आ जाइए, उसके बाद में जब जैसे बच्चों ने बजाया तो उसके बाद ये वाली चीज़ आ जाए। उसके बाद में जब मैंने बताया था कि भाई बताओ इनमें से ये, फिर मैं मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आया था मेरा कि ये टेबल है, कहीं ना कहीं मैंने वहाँ बताया था कि ये टेबल है, उसके बाद में मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो, वो वीडियो बड़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं, एलसीएम पढ़ाया मैंने उसके अंदर, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। फिर मल्टीपल का कंसेप्ट आ गया था, फिर मैंने कॉमन की बात कही थी तो ये कॉमन का कंसेप्ट आ गया, फिर मैंने लोवेस्ट की बात की तो लोवेस्ट का कंसेप्ट आ गया, उसके बाद में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात की, उसके बाद में मैंने बताया कि एलसीएम बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो उसके बाद में एलसीएम क्या हुआ, 12 हुआ, तो ये फाइनल हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बताऊंगा इस तरह से, तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था मेरी तरफ से आपके लिए कि जो चीज़ मैंने की हुई थी, मैंने डेमो दिया था, डेमो अपने एक्चुअली मैंने उस डेमो को ही आपको प्रेजेंटेशन करके दिखा दिया कि कितना आसानी से अगर देखें 5 या 7 मिनट के अंदर आप बच्चों पे भी कंट्रोल कर सकते हैं और सारी चीज़ पे कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है कहीं ना कहीं। तो अभी हमने अभी देखा है कि क्लासरूम में कितना हेल्पफुल है और ये सारी चीज़ें, अब हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये हमारा केवीएस में कितना आगे तक गया है, केवीएस कितना इस पे काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने केवी के ऑफिशियल साइट से लिया है, आप देख सकते हैं जैसा कि अभी जो केवी में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए प्यूपल पीसी रेशो, जो पीसी हमारे होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, तो वो क्या था, अभी हमारा जब स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं केवीएस ने इस पे काम करना स्टार्ट किया था तो ये 53 था, और अब ये हाल ही में 17 हो गया है, मतलब 17 बच्चों पे एक कंप्यूटर है हमारे केवीएस के अंदर। देखिए टिल अक्टूबर 2005 तक प्यूपल पीसी रेशो इन केवीएस वाज 53:1, मतलब 53 बच्चों पे एक पीसी था। ठीक है, अब इसको प्रमोट करने के लिए जब हमने इस पे काम किया तो 12 साल 9 महीने के अंदर हमारे इतने कंप्यूटर और आ गए हैं और ये टोटल हो गया है, उसके बाद में हमारा जो रेशो था वो अभी 30, जो हमारा सितंबर था 2018, ये एक्चुअल डाटा बता रहा हूँ आपको, ये 17:1 तक पहुँच गया है। ठीक है, कि 17 बच्चों में, अगर आपसे अब पूछें कि केवी में क्या हालात हैं इसके, तो आप बता सकते हैं हर 17 बच्चों पे कंप्यूटर हमारा है, ऑफिशियल है ये, आप रेफरेंस भी दे सकते हैं कि हमने ऑफिशियल साइट पे अबाउट केवीएस में जाके आप देख सकते हैं, आपको खुद भी मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक बार और चीज़ की, आप एक बार ये देख लीजिएगा कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ केवीएस है वो यहाँ पे हमारे 1196 फंक्शनल है, उसमें कंप्यूटर अवेलेबल टोटल कितने हैं, इतने कंप्यूटर अवेलेबल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे इतने एनरोल थे, रेशो हमारी क्या आ रही है, हमारी इतनी रेशो आ रही है, नंबर ऑफ केवीज विद कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब में 96% केवीएस में कंप्यूटर लैब है हमारी, देख लीजिएगा आप यहाँ से। ठीक है, नंबर ऑफ केवी हैविंग इंटरनेट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी इंटरनेट कितने केवी इसके पास में है, तो देख लीजिए 98% के पास में है, मतलब ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है केवी का, आप बता सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद में नंबर ऑफ केवी हैविंग ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड कितनों के पास है, 95 केवी इसके पास ब्रॉडबैंड है। और नंबर ऑफ केवीज हैविंग देयर ओन वेबसाइट, अपनी वेबसाइट कितने केवीज के पास है, 99% केवीज के आसपास है। ये आज की डेट में जो केवी की जो ऑफिशियल साइट है वो बताती है, तो आप देख सकते हैं कि आईसीटी का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है केवी का कितना अच्छा है, कि आपका 17 बच्चों पे एक कंप्यूटर है, इतने कंप्यूटर हमारे अवेलेबल हैं केवीएस के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो और केवी में वैसे मैं बता देता हूँ, इसके अलावा
दूर दराज तो नहीं, लेकिन जब आप बाहर वाले जाएंगे सिटीज़ के अंदर, तो स्मार्ट क्लासेस वगैरह और इनकी बात आती है, वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे दिल्ली में हो गया, चेन्नई में हो गया, जयपुर के भी स्कूल्स में कुछ में, तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस की है। इनफैक्ट बड़ी सिटीज़ में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं केवी में ये सुविधा है। और हमारे अपने स्कूल में अगर मैं बात करता हूँ केवी दीफू की, इसके अंदर भी प्रोजेक्टर हैं, उसके बाद में आपके स्मार्ट क्लास डेवलप हो गई हैं, जो आपका पावर पॉइंट हम पढ़ा सकते हैं पावर पॉइंट से बच्चों को, तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं वो डेवलप हो रही हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करती है। एक और थोड़ी सी चीज़ के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, और ये PDF में डाल दूंगा, जो केवी की ICT इन KVS, ठीक है, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पेज पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो आप ये देख सकते हैं पूरी की पूरी, ये जितनी भी हमारी ये PDF होगी या इस तरह के जो ये पिक्चर्स मैंने दिखाए हैं, ये भी मैं आपको डाल दूंगा, और कहेंगे तो PPT भी मैं डाल दूंगा, वो जो मैंने आपको दिखाई थी, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आज का हमारा ये ICT के ऊपर इतना ही था सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे थे। धन्यवाद। यू।